प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग का जो हम इसको स्नेह प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आप लोग जिस तरीके से हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना, तो आपको थोड़ा आर्थिक सहयोग करना पड़ेगा। अगर मेरे वीडियो संबंधी कोई प्रश्न है तो मुझसे प्रश्न करिए, समय मिलने पर आपका जवाब मैं अवश्य दूंगा। मेरा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आप लोगों को कुंडली की जानकारी की का ज्ञान प्राप्त कराता रहूं। आज एक मैं नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, राहु ग्रह प्रत्येक लग्न में क्या प्रभाव देता है। राहु के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, उसको अच्छा भी बहुत लोग बुरा ग्रह मानते हैं, पर आप देखिए कि आपके लग्न में राहु बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव देता है। इसको प्यार से इस वीडियो को अवश्य देखें। जिसके मेष लग्न है उसमें राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग मानसिक रूप से पीड़ित रहते हैं, शारीरिक पीड़ित रहते हैं, सोच गंदी होती है, जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं। जिसके वृषभ लग्न है उसमें राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग अक्षमातिक धन की प्राप्ति करते हैं, उन्नति करते हैं, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं। जिसका मिथुन लग्न है उसमें राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, जीरो से हीरो बनते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं, माता पिता से इनको अच्छी जमीन जायदाद मिलती है। जिसका कर्क लग्न हो उसमें राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, गलत सोहबत में पड़ते हैं, नशा पानी करते हैं और इनका चरित्र भी गिरता है। जिसके कुंडली में सिंह लग्न हो उसमें राहु बैठा हुआ है, दोस्तों अच्छी कैरियर बनाते हैं, अच्छा शिक्षा प्राप्त करते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, संस्कारी बनते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। जिसके कुंडली में कन्या लग्न हो उसमें राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, शत्रु इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, किसी प्रकार जेल नहीं जाते हैं, कहीं इनकी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती। जिसका तुला लग्न है उसमें राहु बैठा हुआ है, महिला है तो सेक्सी विचार की होती है, पुरुष है तो सेक्सी विचार का होता है, ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन विवादाग्रस्त रहता है, कुंवारे लड़का लड़कियों की इच्छा अनुसार शादी नहीं होती। जिसका वृश्चिक लग्न है उसमें राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, कलाकार होते हैं, ऐसे लोग अक्षमातिक धन की प्राप्ति करते हैं, अक्षमातिक उन्नति करते हैं। जिसका धनु लग्न है उसमें राहु बैठा हुआ, क्या बात है, जीरो से हीरो बनते हैं, छोटे से पद पर रखे उच्च पद की प्राप्ति करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, साथ ही नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं, संसद बनते हैं। जिनका मकर लग्न है उसमें राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग व्यापार में घाटा खाते हैं, उद्योग में घाटा खाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए के कर्जदार हो जाते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा पर हमला होती है। जिसका मकर कुंभ लग्न है उसमें राहु बैठा हुआ है, ऐसे लोग विदेश जाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, ऐसे लोग लोहा मशीन कोयला के व्यापार से अच्छा धन पाते हैं, ऐसे लोग को सरकार से उच्च पद की प्राप्ति होती है, समाज में भी इनको सम्मान से देखा जाता है। जिसके कुंडली में मीन लग्न हो उसमें राहु बैठा हुआ हो, ये इनके पास जो कुछ भी धन दौलत रहता है स्वयं का बनाया हुआ रहता है, उदार होते हैं, दयालु होते हैं, धार्मिक होते हैं, गरीबों का सहायता करने वाले होते हैं, इनको कभी आर्थिक दिक्कतें नहीं होती है और इनके चौथा पंथ उपदायी जाते हैं। ये छोटा सा वीडियो राहु प्रत्येक लग्न में क्या प्रभाव देता है, किन किन लग्नों में क्या प्रभाव देता है, ये आपके सामने हमने प्रस्तुत किया।
इसको प्यार से सुनिए, इससे कोई संबंधित प्रश्न हो तो मुझसे करिए, मैं सहयोग करूँगा। नमस्कार।